चैनल तो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th कंप्यूटर साइंस यूनिट 3 है हमारी, जिसको हम कर रहे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वर्ड प्रोसेसिंग एडवांस लेवल। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है सीखा था कि फाइंड एंड रिप्लेस कैसे करते हैं वर्ड को एमएस वर्ड में। तो आज हम जो हैं सीखेंगे इंसर्टिंग टेबल, डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स एंड मर्जिंग सेल्स। इंसर्टिंग अ टेबल, टेबल इंसर्टिंग क्या होता है सबसे पहले? तो टेबल इज द मेन फीचर ऑफ एमएस वर्ड। टेबल जो है वो मेन फीचर होती है एमएस वर्ड की। इन एमएस वर्ड देयर आर 3 मेथड्स टू ड्रॉ टेबल। एमएस वर्ड में जो है वो 3 तरह के तरीके होते हैं टेबल को ड्रॉ करने के, यूजिंग टेबल बटन, यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन एंड बाय ड्रॉइंग अ टेबल। ठीक है, ये 3 तरह के, यूजिंग टेबल बटन, यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन एंड बाय ड्रॉइंग अ टेबल। तो द सिंपल मेथड टू क्रिएट अ टेबल इज टू क्लिक ऑन टेबल बटन इन द टेबल्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। यहाँ पे आपको हम पिक्चर के माध्यम से बताएंगे कि आपने क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है और फिर आपने ये यहाँ पे ये आपको इंसर्ट में टेबल दिखाई देगा, यहाँ पे आपने टेबल बटन पे जाना है, ठीक है, टेबल ग्रुप में और इंसर्ट टैब पे जाना है। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। फिर आपको ये है यूजिंग टेबल बटन। फिर आप जो हैं यूजिंग टेबल बटन के माध्यम से कैसे करेंगे? तो क्लिक वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल। सबसे पहले तो आपने जो है जहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट एरिया है, ठीक है, वहाँ जहाँ पे आपने इसको इंसर्ट करना है, सबसे पहले तो आपने वहाँ पे जो है क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन टेबल बटन इन द टेबल्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। फिर आपने जो है ये टेबल ग्रुप पे यहाँ पे टेबल में क्लिक करना है। ठीक है, ये आपका टेबल इंसर्ट हो गया है। फिर आपने जो है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि कितने आपने अपने टू रो और कॉलम्स, तो टू का ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जितने जो रो जो और कॉलम्स जो इंसर्ट कर सकते हैं। एंड मूव द माउस पॉइंटर ओवर द ग्रिड एंड ओवर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू वांट इन द टेबल एंड देन द टेबल विल बी इंसर्टेड। ओके, जितना आपने चूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि आपको यहाँ पे टेबल इंसर्टेड ऑन वर्किंग एरिया, आपके वर्किंग एरिया में जो है आपका ये टेबल जो है वो इंसर्ट हो गया है। आपको अलग से स्टाइल भी दिए हुए हैं टेबल स्टाइल, ठीक है, इस स्टाइल में टेबल शो होना चाहिए कि इसमें ये अलग से आपको स्टाइल दिए हुए हैं कि किस स्टाइल में आपको चूज़ करना है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप चूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपका तय है यहाँ पर, फिर आगे आपका है ये कि यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन, टेबल ऑप्शन को यूज़ करके, तो क्लिक ऑन द टेबल बटन इन द टेबल ग्रुप ऑन द इंसर्ट है, इंसर्ट है मैं जो टेबल ग्रुप, टेबल बटन पे आप जो आपका टेबल ग्रुप है उसमें टेबल बटन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका इंसर्ट टेबल। ठीक है, तो इसमें आप मैन्युअली जो वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये आपका है आगे कि इंसर्ट टेबल। अब आप जब ऐसा करेंगे तो क्लिक इंसर्ट टेबल करेंगे एंड द इंसर्ट टेबल डायलॉग्स विल अपीयर। आपका ऐसा ये इंसर्ट डायलॉग बॉक्स जो वो ओपन हो जाएगा, या तो आपको जैसे हमने यहाँ पे बताया कि आप यहाँ से चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक तो आप यहाँ से चूज़ कर रहे हैं, दूसरा है कि आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है इंसर्ट टेबल, तो इंसर्ट टेबल में जैसे आपको टेबल चाहिए कि कितने कॉलम्स लेने हैं, कितने आपको रोज चाहिए, जितने आपको रोज एंड कॉलम्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप जो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एंड ओके बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स जो वो ओपन हो जाएगा। तो मैंशन द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ओके बटन। एंड वेन यू इंसर्ट अ टेबल टू न्यू टैब्स डिज़ाइन एंड लेआउट। जब आप जो है टेबल इंसर्ट कर देते हैं तो आपका क्या होता है, डिज़ाइन एंड लेआउट जो है टैब जो है वो ऑल्सो जो है आपके रिबन पे अपेयर हो जाती हैं। दिस टैब्स विल डिस्प्ले वेरियस टेबल टूल्स। और जो ये जो है आप ये टैब जो हैं वो वेरियस टेबल टूल्स आपको डिस्प्ले करती हैं। यू कैन यूज़ दिस टैब्स टू फॉर्मेट डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ योर टेबल। तो आपका जो है ऑटोमेटिकली ये फिर डिज़ाइन एंड लेआउट ऑप्शन जो है वो आ जाता है जब आप इंसर्ट टेबल पे कर देते हैं ओके बटन पे, तो ये आपके दो ऑप्शन जो ओपन हो जाते हैं, इंसर्ट डिज़ाइन एंड लेआउट। ठीक है, तो ये आपका डिज़ाइन आ गया है कि सॉइंग डिज़ाइन एंड लेआउट टैब ये आपको दिखाई है। इस तरह से आपके डिज़ाइन आ जाते हैं कि किस तरह से आपको डिज़ाइन करना है अपना टेबल जो आपने इंसर्ट किया हुआ। ओके, एंड वाई ड्राइंग अ टेबल, हमारा थर्ड वे था टेबल को इंसर्ट करने का कि वाई ड्राइंग अ टेबल। तो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग वे टू ड्रॉ अ टेबल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है तरीका है टेबल को इंसर्ट करने का। इफ़ यू आर गुड एट ड्राइंग देन यूज़ दिस मेथड। अगर आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छी ड्राइंग आती है, तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मेथड टू ड्रॉ अ टेबल यूजिंग माउस। विद दिस मेथड यू कैन ड्रॉ अ टेबल दैट कंटेन सेल ऑफ डिफरेंट हाइट्स और वेरिंग नंबर्स ऑफ कॉलम पर रो। तो इसमें जो है आप जो है फ्लेक्सिबली जो मेथड जो है आपका ये टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं माउस की हेल्प से। ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाना है और फिर आपने जो है क्लिक टेबल करना है, देन क्लिक ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल पे करना है और पॉइंटर को जो है, जो आपका पॉइंटर है माउस का पॉइंटर है
ठीक है, ये माउस का पॉइंटर जो है वो आपका जो है पेंसिल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इंसर्ट टैब पे नहीं जाएंगे, अब आप जो हैं ड्रॉ टेबल पे जाएंगे तो आपकी जो है एक पेंसिल की तरह बनेगा। जैसे जैसे आप जैसे आपने ऐसे बनाना है तो ये माउस से ऐसे करके जो आपका पॉइंटर है वो पेंसिल में चेंज होगा और आप इसमें जो है ऐसे ऐसे करके रो एंड कॉलम्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने जो है अपनी लोकेशन चूज़ कर लेनी जहाँ पे आपको इसको करना है और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो है आपको पता है कि कितना करना है। ठीक है, ये आपको बताया ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, ये पेंसिल की हेल्प से जैसे आपका ये टेबल में तो इसमें आप ऐसे भी बना इस तरह से, ये आपका ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। फिर आता है आपका कि एंटरिंग डाटा, डाटा को एंटर कैसे करते हैं, तो सेलेक्ट द सेल बाय क्लिकिंग ऑन इट। सबसे पहले तो आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है, उस यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे करना है तो आपने इसमें पहले सिलेक्ट कर लेना है, टाइप करना है फिर इसमें टेक्स्ट। ठीक है, टू गो टू द नेक्स्ट सेल प्लस टैब की, और आपको नेक्स्ट सेल में जाना है, ऐसे ऐसे इस सेल में जाना है नेक्स्ट में, तो आप टैब की को प्रेस करेंगे। ठीक है, टू गो टू द प्रीवियस सेल प्रेस शिफ्ट शिफ्ट प्लस टैब की, और अगर आपको नेक्स्ट सेल में जाना है तो आपने टैब की प्रेस करनी है, और अगर आपको पिछले प्रीवियस सेल में जाना है तो शिफ्ट और टैब दोनों इकट्ठा शिफ्ट प्लस टैब जो यूज़ करना है। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ एरो कीज़, जो आपकी माउस सॉरी कीबोर्ड पे जो है आपकी एरो कीज़ होती हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट जो आपकी होती हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप डाटा जो है वो एंटर कर सकते हैं टेबल में। तो ये था आपका आज का वीडियो कि टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं, इसके मेथड कौन कौन से हैं, इसमें जो आपका बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग जो आपका तरीका है बाय पेंसिल बाय ड्राइंग से। ठीक है, ड्राइंग आपका जो हमने अभी बताया कि बाय ड्राइंग का टेबल वो बहुत इजी तरीका है, उसको आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं अलग अलग इसमें के जो। ठीक है, और इसमें डाटा एंटर करना भी आपने सीखा है, तो इसमें जो है जो भी आपने डाटा एंटर किया उसको जो है चेंज भी आप कर सकते हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इंसर्टिंग कॉलम्स इन अ टेबल, टेबल्स में जो है आपका जो एक बाय डिफॉल्ट आपने जो एक टेबल बनाया है उसमें अगर कोई आपने और कॉलम जो है ऐड करने हैं तो उनको कैसे करेंगे, ठीक है, रोज़ कैसे ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे टेबल में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो चैनल के साथ जो है जुड़े रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन, एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।